अरे यार मटले भैया, अरे बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गया। अरे चले ना, हम सारे लोग मिलकर एक साथ चलते हैं घूमने के लिए। चलिए ना बटलू भैया, चलिए ना। अरे नहीं, मुझे बहुत काम है, और वैसे भी जब तुम लोग बाहर जाते हो तो बहुत बदमाशी करते हो। नहीं नहीं, अरे चलिए ना रे बाबा। अरे कोई बदमाशी नहीं करेगा रे बाबा, मैं दोनों को समझाऊंगा रे बाबा, चलो ना रे बाबा। अरे सच बता रे बाबा, बदमाशी नहीं करेगा। अरे यार चलो ना, मैं विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे घूमने जाएंगे, वहाँ बदमाशी नहीं करेंगे यार, बड़ा मजा आएगा, चलो ना यार। अरे चलो, तो काम करो, ठीक है कल ही चलते हैं। हाँ आओ बटलू भैया, हम लोग पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग में जाएंगे और वहाँ पे टॉय ट्रेन में चढ़ेंगे। चढ़ाओगे तो ठीक है, हम लोग कल ही चलते हैं। और लंबे कांड वाले, तुम टिकट का व्यवस्था कर लो। अरे यार बड़ा मजा आएगा। अरे आओ, ये बिच्छू ना बड़ा ही शैतान है सच में। अच्छा बाबा ठीक है चलो। अरे यार वहाँ पे टाइगर हिल है, और उस टाइगर हिल पे मैं अकेले ही जाऊँगा, आप लोग मेरे साथ मत आना। आओ अच्छा बेटा, टाइगर हिल पे जाओगे? जाओ देखना, टाइगर लपक के पकड़ लेगा। आओ वहाँ पे काले काले टाइगर मिलेंगे देखना। और दार्जिलिंग में बड़ा दार्जिलिंग में पहाड़ पे बर्फ वाले आइसक्रीम नहीं मिलते यार, तू जानते हो नहीं, बकर 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 करते रहते हो। आओ मैं टाइगर हिल नीचे से देखूंगा, क्योंकि ये नीचे से बहुत बड़ा और ऊपर से बहुत छोटा नजर आ रहा है। आओ 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 आओ, अभी दार्जिलिंग में बहुत गर्म है इसलिए मैं एक जैकेट ले लूंगा। आओ आओ। अरे यार बकवास बंद कर यार। आओ तुम भी बकवास बंद करो। आओ अरे यार कितना मजा आ रहा है यार, हम लोग कंचनजंगा एक्सप्रेस पकड़ के न्यू जलपाईगुड़ी आ गए हैं, और यहाँ पे जाकर टॉय ट्रेन में घूमेंगे, बड़ा मजा आएगा। ए बिच्छू तुम बदमाशी मत करना यार, देखो ना बाहर स्टेशन पे कैसे लोग घूम रहे हैं। आओ देखो ना, ये टॉय ट्रेन है ना, बिना उतरे हम लोग छू सकते हैं। आओ देखो, आओ क्या मजा। आओ ए मजा आ रहा है, ट्रेन छूट गई। अरे बाबा, अरे शोर मचाना बंद कर रहे बाबा, लोग तुम्हें फालतू बोलेंगे रे बाबा। अरे यार मेरे कानों में कुछ सुनाई पड़ रहा है रे बाबा, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन की पटरी में कुछ सामान रखा जा रहा है रे बाबा, मेरे लंबे लंबे कानों में थी। अरे यार मेरे कानों में सुनाई दे रहा है रे बाबा। अरे यार तुम्हें तो केवल लफड़ा ही दिखाई देता है। हाँ अरे यार
बाहर देखो कितने सुंदर पहाड़, कितने सुंदर नदियाँ, कितने सुंदर झरने, ये सब कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ देखो ना कितने सुंदर है, आओ। आओ देखो ना ये बटलू भैया चलती ट्रेन में सो गए, कितने बोरिंग हो गए यार, आओ आओ। अरे आज मैं गिर गया, आओ। एक्सीडेंट नहीं हुआ रे बाबा, ये ड्राइवर बहुत जोर से ब्रेक मारा रे बाबा, चलना रे बाबा देखते हैं रे। अरे ये तो पटरी पे बहुत बड़ा एक पत्थर है। हाय हाय, मैं तो टेलीग्राफ पाके अपने भाई को देखने जा रहा था, किस झमेले में पड़ गया। गार्ड साहब कितना टाइम लगेगा ये पत्थर हटाने में? ये तो कह नहीं सकते, लग रहा है ये पत्थर हटाने में 4-5 घंटा लग ही जाएगा। अरे बाटलू भैया ये पत्थर आप हटा दो ना, ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, अब हम लोगों से और इंतजार नहीं हो रहा है। अरे यार बटलू भैया, अरे उस पत्थर के पीछे कुछ डाकू लोग छुप कर बैठे हैं और उनकी आवाजें मैं साफ साफ सुन पा रहा हूँ। अरे यार क्या वो लोग हम लोगों को लूटेंगे क्या? और मैंने सुना है ये ट्रेन में कोई महारानी जा रही है रे बाबा। अरे तब तो चिंता की बात है रे बाबा। अरे रुक जाओ, अगर ऐसी बात है तो पत्थर कौन मारा है? अरे बाप रे बाप, अब हम लोग किसी को नहीं लूटेंगे, अब नहीं लूटेंगे, अब बेका तो छोड़ देंगे। अरे ये तो बड़े ही खतरनाक डाकू है, इन्हीं सबको पुलिस ढूंढ रहा है। बटलू तुम्हें सरकार से तो इनाम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये तो लंबे कान वाले ने मुझे बताया, तब जाकर ये मैंने काम कर दिया। हाँ बटलू, मैं बाहर तुम्हारा बहुत नाम सुनी हूँ, आज मैं अपने आँखों से देख के धन्य हो गई। तुम्हारे लिए मैं इस यात्रा में सुरक्षित हूँ, इसीलिए खुश होके मैं ये सोने का आभूषण दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं महारानी जी, इन सभी चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं। अरे मैं तो अपने बच्चों को लेकर दार्जिलिंग घूमने आया हूँ। और हाँ, तुम और तुम्हारे साथी मेरे अतिथि बनकर मेरे राजमहल में रहना। अच्छा अच्छा, ये अच्छा रहेगा। क्या बोल रहे हो बच्चू बिच्छू? आओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बटलू भैया, ये डाकू लोग फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वैसे भी बहुत दिनों से फूंक कर किसी को उड़ाया नहीं, तो आज मैं फूंक कर इन लोगों को थाने तक पहुंचा दूंगा, ताकि पुलिसों का काम भी आसान हो जाए। अरे बटलू भैया, तुम जो भी काम करते हो बहुत ज्यादा हो जाता है, और कहीं इतना ज्यादा मत फूंक देना कि वो लोग थाने के साथ ही उड़ जाए रे बाबा। अरे तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। ये क्या, ये तो डाकू अपने आप उड़ के वापस आ गए। ये जल्दी जल्दी इनको लॉकअप पे बंद करो, नहीं तो ये लोग फिर से उठकर भाग जाएंगे। सुनिए यात्रियों, आप लोग ट्रेन में चढ़ के बैठ जाइए, आप लोगों को चिंता करने का कोई बात नहीं, जब तक लंबे कान वाले और बटलू उसको साथी हम लोगों को साथ है तब कुछ नहीं हो सकता। आओ बटलू भैया, आप हम लोगों के लिए शान हो, आप हम लोगों के लिए आंखों का तारा हो, मैं तहे दिल से आपका सम्मान करता हूँ, आओ। अरे लंबे कान वाले भैया, अरे आप तो ग्रेट हो यार, आपके दूर की आवाज़ सुनने से हम लोग तो शान बढ़ गया। अरे लंबे कान वाले, अरे आप तो ग्रेट हो, हाँ अरे आप सचमुच बहुत ग्रेट हो यार। अरे बच्चे बिच्छू, अच्छे बच्चों की तरह रह रहे हो, तो चलो दार्जिलिंग मॉल में सारे घूमो फिरो फ्री में। ए बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे तेरे से पहले तो मैं चढ़ूंगा, अरे बड़ा मजा आएगा। हाँ।
ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितने जानवरों की कहानियां हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। एक गांव में वास करता था एक शिकारी और उसकी पत्नी। उसका काम था चिड़ियों को पकड़ के बाजार में बेचना और ऐसे ही उसका घर चलता था। ओ देखिए वो देखिए, एक झुंड में चिड़िया कैसे उड़ती जा रही है आसमान में। हाँ हाँ, मैं भी तो देख रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। अरे हाँ, इनको अगर एक साथ पकड़कर बाजार में ले जाकर बिकने से अच्छा दाम मिल सकता है। ठीक बोल रहे हैं, उन चिड़ियों को एक साथ पकड़ के बाजार में बेचने से हम लोगों की बहुत ही आमदनी होगी। मुझे कितने दिन से शौक है एक सोने के कान के। अच्छा, देखता हूँ सबको एक साथ मैं पकड़ पाता हूँ कि नहीं, कुछ अपना बुद्धि लगाकर। अरे रानी, जरा हमें ये बताना ये सब चिड़िया कितने समय से उड़ के जाते हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी ये लोग जाते हैं कि नहीं। अरे रानी, हम जो तुम्हें काम सौंपे थे वो तुम्हें याद है? हाँ जी हाँ, मैं दो दिन से ध्यान में रखी थी और देख रही थी वो चिड़िया रोज ही उसी वक्त जाती हैं यहाँ से। अच्छा, तब तुम कल क्या करना, जाल बिछाना और जाल बिछाने के साथ साथ उस पे तुम दाना छीट देना ताकि वो लोग दाना चुभे और आकर उसमें फंस जाए। ठीक है, वैसा ही करूँगी। चिड़िया झुंड में उड़ते उड़ते अचानक नीचे देखी ढेर सारे सरसों। वो देख, वहाँ पे कितने सारे सरसों फैलाए हैं। हाँ हाँ, सच में। चलो चलो, वहीं जाके हम लोग खाते हैं। आज हम लोगों को खाना नहीं ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ, चल चल वहीं चलते हैं। यही कह के चिड़िया जब सरसों खाने के लिए नीचे उतरी तो ये क्या? अरे ये तो जाल है, जाल बिछाया हुआ था हम लोगों को पकड़ने के लिए। हाँ ठीक बोल रहे हो, अब क्या होगा, हम लोग तो जाल में फंस गए। अब हम लोग नहीं बचेंगे, हम लोग सब एक साथ फंस गए। उफ, चिल्लाओ मत, तुम लोग धैर्य रखो, थोड़ा सोचने दो, कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। हम लोग सब यहीं पे हैं, इतना आसानी से थोड़ी ना फंस जाएंगे। एक बार आखिरी कोशिश नहीं करेंगे क्या बचने की? लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। मैं कुछ सोचा हूँ, बताऊँ तुम लोगों को? हम लोग सब मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जब मैं बोलूँगा तभी तुम लोग पंख उठा के एक साथ उड़ने की कोशिश करना, समझे? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ। उधर शिकारी और उसकी पत्नी चिड़ियों को जाल में फंसे हुए देख के मजे ले रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे वो दोनों, इतने सारे चिड़ियों को एक साथ बेच के बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। उसी वक्त अचानक, लो आप तैयार हो जाओ सब। हम लोग तैयार है, तुम कहोगे तभी। हाँ हम लोग तैयार है, तैयार है, सब एक साथ पंख उड़ाओ। यही कह के सारी चिड़िया एक साथ पंख उड़ा के जाल के साथ उड़ गई। शिकारी और उसकी पत्नी देखते ही रह गए आंखों से। आता होता आधा बोला। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संदेश भेजने के लिए एक नया पाठ पढ़ाऊंगा। अंधा? जी सर। मैं पाठ शुरू कर रहा हूं और तुम? जी जी सर।
मैं बूंदा को संदेश भेज रहा था सर। क्लास के बाहर जाके जितना संदेश देना है दे, क्लास से बाहर निकल। ठीक है सर, जा रहा हूँ। सर संदेश भेजने के बारे में अच्छा पढ़ाया है। सच में बूंदा? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बिरजू। क्या बता? संदेश भेजने के बारे में सर हमें जो समझाए हैं, चलो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बूंदा। तुम लोगों का सारा मैं तहस नहस कर दूंगा। बिरजू हम तो टेलीफोन का तार तो बना लिए, बता कैसा बना है बिरजू? अच्छा बना है बूंदा। हमारा जवाब नहीं है बिरजू, अभी तारीफ मत कर, पहले देखे तो सही ये काम करता है कि नहीं। अच्छा बच्चों, मैं तो पाठ नहीं पढ़ पाया और तुम लोग प्रयोग कर रहे हो, मैं नहीं करने दूंगा। तेरे इस प्रयोग को मैं तहस नहस कर दूंगा। मेरा बात सुन पा रहा है बिरजू? तू मुझे सुनाई दे रहा है बूंदा। ये क्या बूंदा, तू यहाँ क्या करने आया है? जहाँ जहाँ जाएगा बूंदा वहाँ वहाँ आएगा बूंदा। ये क्या कर रहा है तू? क्लास का बाहर तू खड़ा था, तुझे शर्म नहीं है? छोड़ छोड़ तार को, छोड़ तू, छोड़ छोड़। छोड़ूंगा छोड़ूंगा, जरूर छोड़ूंगा। तेरा संदेश तो पूरे दुनिया में फैल गया बूंदा। क्या हुआ बिरजू, तू मुझे शीशा लाने के लिए क्यों बोला? हाँ बूंदा, शीशे से संदेश भेजने का प्रयोग भूल गए। अच्छा तू इसीलिए मुझे शीशा लाने के लिए बोला? हाँ हाँ, तेरे में बहुत दिमाग है, लेकिन फिर से हम आकर तहस-नहस कर दिया तो। चिंता मत करो बूंदा, चारों तरफ से देख लिया हूँ, कहीं भी अंदर नहीं है। उफ, बच गए। तो फिर ये ले, मैं संदेश भेज रहा हूँ। ये रहा मेरा संदेश। ये क्या हुआ? ये क्या, मेरा आँख चौंधिया गया? कौन शीशा चमका रहा है? शैतान, ये बूंदा मतलब तू मेरे आंखों पे रोशनी डाल रहा है? नहीं मैं नहीं, मैं आपको नहीं, मैं बिरजू को दिखा रहा था। तेरी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। बिरजू, तेरे पिताजी मुझे मारेंगे, तू मुझे से शाम को गार्डन में मिलना। अभी मैं यहाँ से भागता हूँ, भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। पता है बिरजू, लग रहा है ये किला लेकर हम लोगों को सुनसान जंगल के रास्ते से ही जाना होगा। सही कह रहे हो, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है बूंदा। मैं भी तेरा आइडिया फ्लॉप कर दूंगा, मैं देखता हूँ तू कैसे जाता है। माफ करना बूंदा, ये तो मैं ले लिया हूँ। ये देख बूंदा, ये मेरा भेजा हुआ संदेश। हाँ ये कौन मुझे मारा, मेरा सिर फट गया। ये क्या, झाड़ी के पीछे कौन है? शैतान लड़को, मुझे फिलहाल खींच कर मार रहे हो? मैं नहीं। हमदा मारा है। हमदा तुम मुझे मारा है? रुक, मैं तुझे मदद चाहता हूँ अभी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गया। हमदा तेरा खुद के बनाए गड्ढे में तू खुद ही गिर पड़ा, मजा आ गया। टॉम, आंटी दो दिन के लिए बाहर जा रही हैं। इस मौके का सही फायदा उठाकर हमें हमारे पिकनिक को अंजाम देना चाहिए। अच्छा ही हुआ, बहुत दिनों से कुछ अच्छी तरह से खाना पीना नहीं हो पाया है,
क्या कहते हो मेरे दोस्त? ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। सुनो पुसी, दो दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद किसी भी तरह की शैतानी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ गई? ये बात लूसी को बोल देना। अरे लूसी, आंटी के आने तक सावधान रहना, कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करो, चुपचाप यहाँ से जल्दी निकल लो, समझ गए? जल्दी। क्यों? मैं क्यों यहाँ से जाऊँ? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आराम करूँगा। चलो, राहत मिली, बहुत बढ़िया। ये सही समय है, अभी टॉम को फोन करके जल्दी से यहाँ बुला लेता हूँ। हेलो हेलो टॉम। टॉम हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ टॉम, तुम शाम को आ जाना, ठीक है? बड़े मजे से खाना पीना होगा, बहुत मजे से, याद से आ जाना, सुन रहे हो? बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ठीक टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, मुझे भगा कर खुद सारे खाना ऐश से खा रहे हो, क्यों? जब देख ही लिया है तो बिना देर किए काम पर लग जाओ, चलो जल्दी। सुना तुमने? काम पर लग जाओ मतलब? भाई हमने जो खाया पिया है इसके बाद किसी को प्लेट भी तो धोनी पड़ेगी ना, सिंपल, वेरी सिंपल। लूसी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। सोच सकते हो कितना बड़ा कांड किया है, आंटी के जाने पर सारा खाना चट कर गए, जब आंटी वापिस आएगी तो सारा इल्जाम लगेगा मुझ पर। इसका कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। अरे क्या पका रहे हो, कुछ भी करो पर कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो तुम? अब तक तो कुछ नहीं सोचा है, पर सोचने के बाद जरूर बताऊंगा। ठीक है, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। पुशी, मछली मेरे पेट के अंदर है और ये काटा मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। अब क्या करोगे पुसी? एक उपाय है पर है थोड़ा सा रिस्की। क्या बताओ? तो सुनो, उस बगीचे में जो पेड़ है उसमें एक भंवरों का छत्ता है, वो मैं और तुम राख लगाकर मशाल लेकर उसके ऊपर चढ़कर उतार लाएंगे, उसके बाद उसको फ्रिज में रख देंगे। वो लोग रात में जब छुप छुप कर फ्रिज खोलेंगे और तभी, समझ रहे हो ना तुम, तभी हो जाएगा एक बहुत भयंकर। अरे तेरी तो गजब। अरे टॉम एकदम ध्यान से, हाँ, सोचो कि सब सो रहे हैं, समझ गए? अब वो भुनी हुई मछली हमें खानी है, एकदम ध्यान से। चलो चलो भाई। अरे अरे रे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे रे 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 रे, अरे ये खा गई मुझे, अरे मम्मी, अरे रे 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 रे, ए ए, अरे इनको भगाओ, अरे इनको भगाओ, अरे बचाओ, अरे 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 बचाओ 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 बचाओ, अरे मुझे छुड़वाओ, अरे मुझे छुड़वाओ, अरे कोई तो रोको, ओ मम्मी, अरे काट लिया, अरे जल रहा है। ये भंवरे पहले तुम्हें काट ले, फिर मैं तुम लोगों को अच्छे से काटूंगी। अरे जा 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 जा, अरे बाबा खा गए, अरे भागो, अरे भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, बचाओ मुझे कोई, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मम्मी, अरे मम्मी। पिता
गिरिबत देश का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा थे चंद्रसेन और रानी भद्रा देवी। राजा और रानी अपने प्रजाओं के प्रति बहुत भावुक थे, लेकिन प्रजा राजा और रानी से बहुत रुष्ट थे, क्योंकि राजा निसंतान था। माँ, मुझ पर कृपया करो, कृपया करके इस राज्य में एक कुलदीपक दे माँ। राजा, तुम्हारे पूजा से मैं संतुष्ट हुई। सुनो, नगर के पास के मंदिर में एक सन्यासी आए हैं, तुम लोग जाके उनसे मिलो, वो तुम लोगों की सारी समस्या का समाधान करेंगे। सुबह होते ही राजा और रानी दोनों जाकर सन्यासी से मिले। महाराज, संतान तो आपको मिलेगा ही, उसके लिए आपको आवश्यकता है एक दिव्य अम्बल का। वो कहाँ मिलेगा सन्यासी जी? सही पता मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से ये दिव्य अम्बल मिल सकता है, लेकिन फल लाना पड़ेगा तुम्हारे किसी प्रजा को। सुनो सुनो सुनो, एक सन्यासी के बातों के अनुसार महारानी अगर दिव्य आम फल को खाएंगी तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस दिव्य आम फल को लाने के लिए हमारे राज्य की किसी प्रजा को जाना पड़ेगा। जो जाना चाहता है वो राजा से आके मिले। प्रणाम महाराज, मैं रानी माँ को दिव्य आम फल लाके दे सकता हूँ, लेकिन वो फल कहाँ मिलेगा बता देते तो। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से वो दिव्य फल मिल सकता है। मैं चलता हूँ प्रणाम। प्रणाम चाचा जी। कौन हो तुम, क्यों आए हो तुम यहाँ? जी, मैं जात का वेद हूँ। मैं आया हूँ उदयगिरी राज्य से अपने राज्य की महारानी के लिए। मैं एक दिव्य आम फल लेने आया हूँ। वो आम फल सेवन करने से हमारी महारानी पुत्र लाभ करेंगी। उस दिव्य आम फल का पता बता सकते हैं? उस दिव्य अम्फल के बारे में मैं भी सुना हूँ, और ये भी सुना हूँ कि असंभव कार्य को संभव कर देता है। मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये दिव्य अम्फल मुझे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ से तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ, समुन्दर के किनारे एक जलकन्या विश्राम कर रही होगी, उसे तुम जाके पूछना। जब तक वो ना बता दे तब तक तुम उस कन्या को नहीं छोड़ना, ठीक है बच्चा? ठीक है चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, वो रही जलपरी। छोड़ो छोड़ो मुझे। दिव्य अम्फल का पता बताओ, तभी मैं छोड़ूंगा तुम्हें। दिव्य अम्फल के बारे में तू पूछ रहा है, उससे पहले मैं तुझे निगल जाऊंगी। दुष्ट इंसान, एक कन्या के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है तुझे नहीं पता है? हाँ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी मैं छोड़ूंगा। बोलो क्या पूछना चाहते हो? दिव्य अम्फल कहाँ मिलेगा? समुद्र के अंदर एक द्वीप है, उसी द्वीप में एक आम का पेड़ है, उसी आम के पेड़ को दिव्य अम्फल कहा जाता है। लेकिन मैं समुन्द्र के द्वीप में कैसे जाऊँगा? बैठो, ये तुम्हें ले जाएगा।
नाव में बैठकर समुंदर के द्वीप में जाकर वो दिव्यम फल समुंदर में ढूंढ लिया, लेकिन ये क्या, नाव कहाँ चला गया? उस नाव की अब कोई जरूरत नहीं। ये क्या, राजा के पास मैं कैसे जाऊंगा? इस फल का नाम है दिव्य फल। इस फल की सहायता से तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। तो हे दिव्य अम्फल, तुम मुझे मेरे राजा के पास ले चलो। महाराज ये लीजिए दिव्य अम्फल, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम महाराज। कहाँ जाओगे बैद, मेरे पास बैठो, आज से तुम हमारे साथ रहोगे और मेरा आधा राज्य तुम संभालोगे। महाराज, राजा की उबेद को अपने पास बिठाया और अपना आधा राज्य क्यों सौंप दिया? बेतल, कारण यह है कि राजा का कोई संतान नहीं था और सन्यासी के बातों के अनुसार रानी दिव्य अम्फल खाती तो उन्हें संतान प्राप्त होता, लेकिन वो फल किसी प्रजा को लाना था, इसीलिए वेद उसे लाने गया था। वेद के वजह से राजा को संतान प्राप्त हुआ, इसीलिए राजा ने वेद को राज्य का आधा हिस्सा दे दिया। समझे तुम बेताल?